ये बस उनको समाधि तक ले जाएगी, पूरा सजाया भी है उसको। देखो पापा, आपका छोटा बेटा शान से आपको समाधि तक ले जाएगा। सबसे बड़ी फूलमाला, जरा सोचो इसे पहनकर जब आप गाड़ी में लेटकर शहर का चक्कर लगाएंगे मजा आ जाएगा। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, मैंने गद्दे भी लगवाए हैं ताकि लेटने में आपकी पीठ पे लोहा न चुभे। स्पीड ब्रेकर आ भी गया तो आपकी बॉडी नहीं हिलेगी, आपकी अंतिम यात्रा आराम से हो जाएगी। ए, उनको पूरा शहर में घुमाना कोई फंक्शन नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा आइडिया, कोई बुराई नहीं। पापा को भी ये पता चल जाएगा कि लेटने के बाद वो कैसे लगेंगे, क्योंकि तब तो देख नहीं पाएंगे। पापा एक चक्कर लगाते ना पापा, चलो ना पापा। ए, बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तेरी बीवी ने तुझे ये सब करने के लिए उकसाया है तो थोड़ी देर में वो भी आकर कुछ करेगी। ये क्या है दिखा? कुछ नहीं। मैंने देखा है, तूने छुपाया कुछ? नहीं कुछ नहीं है। दिखा दिखा दिखा। सच कह रही हूँ, कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे, कुकट पल्ली की कैटरिंग लेडी दिखाओ। हे मेरे भगवान, ये तो पवित्र गंगा जल ले आई है। गोविंदा गोविंदा। लाओ मुझे दो भाई साहब, मरने के वक्त पीने से अच्छा है अभी टेस्ट कर ले। अगर उन्हें टेस्ट पसंद नहीं आया तो उनके हिसाब से हम मिक्स बना लेंगे। तुम क्यों मुंह खोल के मुझे देख रहे हो? तुम्हें भी पीना है? हे भगवान, मेरे मुंह में क्यों डाल रही हो? जब कोई मर जाता है तब उसके मुंह में डालते हैं, अनाड़ी औरत। हे भगवान, ये मुझे देखा नहीं जाता, हट जाओ हट जाओ। क्यों पापा, आपको ये अच्छा नहीं लगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी इस मासूमियत पर मैं हंसूं या रोऊं। जा पहले ये सब हटा कर। हे भगवान। अच्छा मैं चलता हूँ, दामा जी मैं निकलता हूँ। भाई साहब सुनिए ना, आपको घर की तरफ जाना है ना, बस भी वहीं जा रही है, बैठ जाओ। इस गाड़ी में क्या? कुछ नहीं, मैं रिक्शे में चला जाऊंगा। अरे चलता सुनो तो, अरे इनको ड्रॉप कर दो। पापा मुझे लगा आप सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाओगे, इसलिए मैंने सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाया है। आप यहाँ अकेले बैठकर खा रहे हैं, आप चलिए। और वैसे भी पापा, हम सब आप ही के लिए तो आए हैं, और आपको यहाँ अकेले बैठकर खुशी मिलेगी क्या? आप पहले चलिए। पापा खाइए। ये सब क्या है बेटा, अगर इतना सारा खा लिया तो? अरे डॉक्टर ने आपको कुछ भी खाने से मना नहीं किया, आप खाइए ना, खाइए पापा। हाँ खिलाओ ने, और जितना जल्दी हो सके मार दो, उसके बाद बहुत सारे काम भी तो करने हैं, बच्चों का स्कूल, पति की नौकरी। देखा पापा, मैं तो आपको प्यार से खिलाना चाहती थी, और भैया कैसी बातें कर रहे हैं। माता सावित्री, अच्छा है कि आप जिंदा नहीं हो, नहीं तो मेरी बहन ने आपको भी खाना खाने के कॉम्पिटिशन में लिया होता। देखो ना पापा। चुप कर, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। देखो मैं खा रहा हूँ, मेरी बेटी कितनी प्यारी है। और आपकी बहू नगीना, बेशकीमती हीरा जैसे मालपुआ। इसे क्या हुआ? अरे तो ये थाली लो और टेबल के नीचे बैठ के दोनों खा लेना, एक दूसरे को खिला देना। अरे कुछ तो शर्म करो, सिचुएशन क्या है? और तुम तो सवेरे से ही लगे हो, यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं और तुम एक दूसरे को टांग मार के बस इशारे कर रहे हो। यहाँ घर के सारे बुजुर्ग बड़े बैठे हैं और तुम नीचे ये कौन सी हरकतें कर रहे हो बताओ? भाई साहब, इन लोगों का अभी तक हनीमून नहीं हुआ है ना। अरे अरे, तो फिर इन दोनों को टेबल के नीचे ऐसे ऐसे जाना चाहिए था। अरे इसने तो वो सजी हुई शव वाहिनी का भी फायदा उठाया है। ये समझता है क्या खुद को? इसको बताना चाहता है कि ये खुद पहलवान की तरह है करके, या हम सबको बताना चाहता है कि इसके अंदर कितना स्टैमिना है? समझ में नहीं आ रहा है। पापा आपके हाथों से स्क्वीज बॉल छूट गया, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। ये लीजिए, स्क्वीज कीजिए कीजिए। अरे खाना खाते वक्त इस बॉल को लेके क्या करूं मैं? लगता है तुम सबको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये भी आ गया, अमेरिका से मेरी गर्दन दबाएगा, वो भी अंग्रेजी में। चल रास्ता दे, इस बॉल की जगह उसकी गर्दन होती तो वो भी मरोड़ देता। हेलो हाउ आर यू सर, आप इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मेरे बाप जिंदा है और मेरे बेटे ने सगाई भी कर ली है? सर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। सर आप छुपा क्यों रहे हैं? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग।
आप अपने पिता की मौत का गम दबा क्यों रहे हैं और मुझसे इतनी एनर्जी और हंसी के साथ बात कर रहे हैं? What do you think? सही है सर, सही है सर, सही है। सर सर सर, आप अपने पापा को खोने का गम संभाल नहीं पा रहे। I can understand। पहले चैन से खाना तो खा लो। चुप रहो, मैं फोन कर रहा हूँ। बोलो, उसको पटक के मारूंगा मैं। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बात करने दो। अरे बाद में बात कर लेना, आजा। ये कौन है? आजा। किसकी आवाज थी? हाँ सर, वो तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तुम्हें अपने पापा की कमी खल रही है, तो तुमने अपने अंकल को साथ रखा हुआ है क्योंकि वो तुम्हारे पापा जैसे हैं। Am I right? Oh, what a guess, sir. You're a genius, sir. Genius. You are simply great, sir. God bless you, sir. सर, मेरी बेटी आपके बेटे से बात करना चाहती है। लड़की तो उसके पास में बैठी है सर। I mean, what? No, sir. क्या है कि घर में सारे लोग डिप्रेस्ड है ना सर, उसमें मेरा बेटा भी है सर। सर मैं क्या थोड़ी देर बाद में आपको फोन करूं सर, घर में थोड़ा प्रॉब्लम है ना। इसने फोन क्यों काट दिया? सुनिए जी, अजीब आदमी। अगर उनका साथ देना चाहते हैं तो जाके उनके दुख में शामिल हो जाइए, लेकिन बेटी बात करना चाहती है ये बात उन्हें बोल के उन्हें बुरा महसूस मत कराइए। और जब हम ये रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हमें उनके दुख में शामिल होना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। I will just call him up. उनके घर में मौत हुई है तो बता क्यों रहे कि हमारे? सीधे चलते हैं ना? All right. Love you, Dad. पापा, अच्छे से ले जाना। पापा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हैदराबाद में सीनियर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जा रहा हूँ। सेकंड ओपिनियन लेना कभी भी अच्छा होता है। यहाँ के डॉक्टर पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, इसलिए जा रहा हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दादाजी, आपने इनमें बदलाव देखा? फिक्र करके आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो भी फादर्स डे पर। एंजॉय। पापा चलो ना। हाँ हाँ, अभी आया। ये देखकर उस वक्त की याद आ गई जब हमारे पापा हमें इस तरह बाहर ले जाया करते थे। आज वही फीलिंग तेरे दादाजी की आंखों में दिख रही है। बाबू, अगर तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर तो मैं जैसे तैसे एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे पापा की भी वही मेंटालिटी है ना, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं क्या मतलब? अरे देखो, तुम्हारे दादाजी के मरने के लिए 2-3 वीक करके टाइम गिन रहे हैं। सोचो अगर कल को मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो ये तो मुझे आने नहीं देंगे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले आती है मेरी फैमिली और मेरी फैमिली के इमोशंस। तुम्हें पता है मेरे घर में अब भी सब लोग साथ मिलकर रहते हैं, तुम्हारे घर की तरह नहीं। मेरी क्यूटी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मेरे पापा सुधर रहे हैं इसलिए दादाजी को आज हॉस्पिटल लेके गए हैं। पता है पिछले 10 सालों में आज पहली बार मेरे पापा ने दादाजी के लिए कुछ किया। महेश भी उनके साथ गया, अगर यकीन ना है तो उसी से पूछ लेना तुम। महेश? हाँ, वो वहाँ देखो अकेले बैठकर प्रसाद ठूस रहा है। हे महेश, तू वापस कब आया? पापा कहाँ पर हैं? दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? पापा उन्हीं के साथ हैं? क्या बात कर रहे हो? पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे दादा को हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? सर बात यह है कि मैं यहाँ ये पता करने के लिए आया हूँ कि डॉक्टर ने दी हुई डेडलाइन सही है या नहीं। अगर सही है तो मुझे US जाकर जल्दी वापस आना पड़ेगा। मेरे ऊपर काम का बहुत बड़ा प्रेशर है डॉक्टर, ऐसे नहीं चल पाएगा। इस बार मैं वापस आऊँ तब वो वेंटिलेटर पर ही होने चाहिए। अगर नहीं रहे तो मेरे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी डॉक्टर। देखिए सर, आपके पापा की हेल्थ उनके ही हाथ में है। अगर वो ऐसे ही हैप्पी रहे तो शायद कुछ दिन और जी जाएंगे, लेकिन अगर वो कमजोर हो गए तो उनकी मौत जल्दी हो सकती है। और अगर उन्होंने तुम्हारी ये सब बातें सुन ली तो शायद अभी मर जाएंगे। आप मेरे पापा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो डॉक्टर। अरे तेरे चाचा चाची को तेरे पापा से कंपेयर करूं तो वो तो देवता है, देवता। पापा, आपको क्या लगता है आपके पापा ने डॉक्टर की बात मानी होगी? दादाजी, Thank you.
आपको जो भी देना है बेटे और बेटियों को एक जैसा देना और अपने पोते और पोतियों को भी एक जैसा ही देना। ससुर जी अगर आप हमारे वेट के हिसाब से बैग का वेट बढ़ा दें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ ये ठीक है भाभी, मेरे सामान का वजन आपसे एक किलो ज्यादा है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव। शी इज गेटिंग क्लर्की, शी इज गेटिंग क्लर्की, शी इज गेटिंग क्लर्की, शी इज गेटिंग। ओ तुम लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे अभी भी पता चला कि श्रव्या प्रेग्नेंट है, अभी भी कंफर्म रिपोर्ट मिली है। कांग्रेचुलेशंस। पापा पापा अब तो कंफर्म हो गया है कि आप श्रव्या से ही जन्म लोगे। ये अरे ये कैसे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई समझे नहीं, अगले महीने तक पापा पक्का मर ही जाएंगे और श्रव्या के तीसरे महीने में पहुंचते ही बच्चे में जान आ जाएगी और दोनों ही इवेंट की टाइमिंग एक है। इस तरह पापा की आत्मा भटकेगी नहीं और वो सीधे श्रव्या के बच्चे के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब है कि 9 महीने के बाद मैं पापा का नन्ना बननी चाहूंगा, नन्ना बननी चाहूंगा। सुनो मतलब पापा सच में उसके पेट में है क्या? और नहीं तो क्या, बिल्कुल पापा ही। आप चाहो तो हाय बोल सकते हो। अरे बाप रे पापा, आराम से, इतनी जोर से क्यों कह रहे हो? अरे ससुर जी अंदर सब कुछ ठीक है ना? तुम चुप रहो ना, बाहर हमें इतनी गर्मी लग रही है तो अंदर उनको कितनी गर्मी लग रही होगी। अब अच्छा लग रहा है पापा? यही वो अजीबो गरीब चीजें जो प्रकृति हमसे करवाती है। बस करो यार, हद होती है, चाचा चाची पेट से खेलना बंद करो। अब जो मैं कहने वाला हूँ सब लोग शांति से सुनो। दादाजी वो वजह है जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार आज एक साथ है। हम लोग जिंदगी की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि कभी नहीं मिलते। ये बात तो सही है। तो हम लोग अनजाने में नया घर और नई यादें बनाने के चक्कर में पुराने घर और पुरानी यादों को मिटा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ हम आज दादाजी को एक वादा करें कि चाहे वो रहें या ना रहें, हम हर साल उनके जन्मदिन पर यहाँ आकर साथ में रहेंगे। सबको मंजूर है? प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। व्हाट एन आईडिया, क्लासिक, फैंटास्टिक। देख लिया ना, ये लोग तालियां बजाकर प्रॉमिस करने से बच रहे हैं। बात तो ठीक कही है। बेटा तूने मेरे दिल की बात पढ़ ली, तू ही मेरा असली वारिस है। आ मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। डायलॉग मार के पूरे बैग हथिया लिए। अब हम लोग क्या करें? अपने भाई के पास जाकर पूछो। हाँ। एक्स्ट्रा बॉल है क्या, उसे तुम दबाओ। भैया आपके पास एक्स्ट्रा बॉल है? बॉल उसकी जेब में है। क्या हुआ? सॉरी हाँ।